एक सिंगा है बगा विकिंग ना गया विकिंग ना गया नंबर एक नंबर बोट की स्टोरी करने अर्ली मॉर्निंग हम आए थे और वो स्टोरी कवर करने के बाद में अभी जो बैलगाड़ी की शर्यत होने वाली है हम वहाँ पर जा रहे और भूख इतनी तेज़ हमको लगी हुई क्योंकि मॉर्निंग से हम काम कर रहे थे और यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिले नाव क्या आपका तुषार आपका नाव प्रज्वल वानखेड़े राहुल मुंडे आणि आपलं हर्षल कुठे राहतं नागपूर होळी इन्जॉय करण्यासाठी आलेले आहेत तर आपल्याला त्यांनी पाहिलं गाडीमधून आलेत आपल्याला भेटलेत तर खूप बरं वाटलं आम्हाला होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला पण होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला पण मित्रा हॅप्पी होळी आणि आपलं चॅनल मनोरंजन कट्टा बघत राहतो थँक्यू मित्र आखिर हम अलीबाग के बीच पर पहुंच गए जहां पर बैलगाड़ी की रेस स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहले मैं आपको जिनका इंटरव्यू दिखा रहा हूं वो कुल 40 साल से इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तालुका में भी अव्वल नंबर पे है मैं आपको दिखाता हूं वो कौन है मेरा नाम है इकबाल बाबा अनवारे मैं 92 से शौकीन हूँ इस शरीयत का मिनिमम 42 साल हो गए मेरे को ये शौक में और फाइनल मैं मुरुड तालुका शिवर्धन तालुका अलीबाग तालुका पूरे तीनों तालुके में आ रहा हूँ मैं आज तक वही हूँ और वही रहूंगा बैलगाड़ी का रेस देखने का क्रेज़ देखो भैया मेरे पीछे चारों तरफ इतने लोग हैं कि कौन कहाँ पर है पता नहीं चल पाता और अभी रेस स्टार्ट होने वाली है मेरे पीछे जितना भी मैं आपको विजुअल्स में दिखा है ये बैलगाड़ी अपने मार्क पर खड़े हुए हैं बस यहाँ से इनको सिग्नल मिलेगा और ये रेस स्टार्ट होगी ये जो बैल का रेस है काफ़ी रिस्की है लोग तो आगे जाके देखते हैं लेकिन फिर भी मतलब अगर लोग देखने के लिए आते तो उनसे अपील है कि थोड़ा दूर से देखिए अगर इस चीज़ का आनंद लेना तो थोड़ा दूर से खड़े रहिए के लिए पुढचं नाव काय तुझं केदार मराठे केदार कुठला आपण लोकल आशित एक शिंगा आहे बघा नाव काय बैलांची नाव सांग ना विकिंग ना गया विकिंग ना गया हा सर्जा 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 आणि विकिंगची जोडी चौथ्या गटात पहिला आलेला आहे अभी जो रेस आहे वो हम देखते की कोण फर्स्ट आया नाव काय तुझं स्वप्निल करमले स्वप्निल करमले करमले स्वप्निल अभिनंदन कुठची गाडी कुठची आहे गाडी माझे काका गाडी हॅलो हां कुठची गाडी कातळपाडा कातळपाडा सक्रिय कातळपाडा अच्छा अभिनंदन अभिनंदन आपल्याला पाचव्या गटातला पहिला आलेला आहे अभिनंदन नाव काय बैलांचं नाव काय जोडीचे हौशानी राजा जोडीचं नाव काय बैलांचं हौशानी राजा हौशानी राजा हौशानी राजाने पहिला क्रमांक पटकावलाय हा पहिला आलेला आहे ये फर्स्ट आया ये बैलगाड़ी फर्स्ट आई है अभिनंदन मिश्रा नाव काय अभिषेक काशीद अजित काशीद की गाड़ी एक नंबर क्वार्टर फाइनल मागे साइड साइड
अभिनंदन करता है सर्व किती उत्साह जोडीचं नाव काय बैल बादल आणि शंभू बादल आणि शंभू नमस्कार अभिनंदन आणि सर्व खुश झाले आहेत त्या बैलांना सगळे मिठी मारताय एवढा एक टिप्पण गेलेली गाडी हो गेलेली अरे एवढी गेलेली खाऊ ना एक नंबर अभी जो गाड़ी आई वो फर्स्ट थी घर पे हो स्पेशली घर पे फोन लगा के इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई आपली गाड़ी पहली आली आहे कुठचे तुम्ही नांदगाव जो कलर से निलाया जा रहा तो बैलों को मतलब इतना एक अट्रैक्शन और ये पारंपरिक खेल ऐसा देखा जाएगा तो और इसके लिए अब जितनी भी रश आपको यहाँ पे नज़र आ रही है स्पेशली इसी को देखने के लिए क्योंकि काफ़ी सालों से इस पर बंदी थी अब जाके कई बंदी उठी और फर्स्ट टाइम कितनी वर्षानंतर होता है खोते हिते आता मजे लॉकडाउन नंतर तो आता होता से लोगों का कहना है कि 9 साल के बाद हो रहा है लेकिन हम चलो ये पकड़ के चलते हैं कि लॉकडाउन में तो हाँ क्योंकि लॉकडाउन में तो काफ़ी मुश्किल था कुछ भी नहीं था लेकिन लॉकडाउन के बाद ये वाली होली और ये बाकी का सब चीज़ ये काफ़ी उत्साह है देखने लायक है और अब जो ये रेस हो रही है ये फाइनल है तो ये फाइनल स्पर्धा होना रहे यानी हाचा 13 बैलगाड़े है इकड़े आपल्या ह्या गाव इतके बघ हे भाई चला घे तिकडे बाबा अब की जो रेस गई है वो फाइनल है जितने भी लोग हैं सभी को उन फाइनल फाइनल की तरफ नज़र नज़र है सभी की कि कौन अभी फाइनल में फर्स्ट कौन आता है हॅलो अभिनंदन मित्र आणि फाइनल मतलब अभिनंदन थैंक यू नाव तुमचं मयूर ठाकूर मित्र मयूर ठाकूर मयूर मनोहर तो जिसका सभी को इंतज़ार था वो फर्स्ट राउंड के फाइनल का फर्स्ट बैल आपने देखा कि जोड़ी मैंने दिखाया और वो सामने वहाँ पे जल्लोस चल रहा है माझा चॅनल आहे यूट्यूब चॅनल ऐसे व्हिडिओज
त्याला सबस्क्राईब करा, फॉलो करा. आणि आजचा जो हा अलिबागला जी बैलगाडी शर्यतीचा कार्यक्रम चालू आहे, खूप उत्तम मस्त असा कार्यक्रम आहे. खूप पब्लिक आहेत आणि जे बैलगाडी शर्यत बघणारे लोक आहेत त्यांचं एक वेगळेच बोलतात ना, एक वेगळाच रस असतो त्याच्यात. तर भरपूर ठिकाणून अलिबागच्या वेगवेगळ्या ठिकाणून इथे लोक आलेले आहेत बघायला आणि आनंद लुटत आहेत. नमस्कार, माझं नाव मिलिंद खोत आणि चॅनलचं नाव आहे जरा अटके. मिलिंद खोत जरा अटके टाकला तर तुम्हाला सर्च होईल. आणि आता इथे आलो तर खरंच पूर्ण हा जो समुद्राचा परिसर अलिबागचा हा कच्चा भरलेला आहे, कारण बऱ्याच वर्षानंतर बैलगाडा शर्यत होते आहे. ते बघण्यासाठी आज सर्वजण आले होते आणि सर्वांनी आनंद लुटलेला आहे. आता तुम्ही बघितला असाल तुम्ही की सर्वांनी एक. तो दोस्तों, आपको मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था उतना विजुअल्स मैंने शरीयत का दिखाया है. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया देखने के लिए मिला होगा होली में आपको. तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, फैमिली में शेयर करना और भी लोगों को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे. चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के अच्छे से अच्छे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँ. तो यहाँ पे मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ और मुंबई के लिए निकलूंगा, के लिए मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय शिवराय. तीन नंबर है.